ए सॉरी, लड़का लोग तीज नहीं करता है तो कौन तीज करेगा? लड़की? कौन लड़की करेगी? दीदी ये मारे ना। गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हो माय स्वीट फैमिली? उम्मीद करती हूँ गाइस अच्छे होगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी ऑफिस आई हूँ एंड कपड़े चेंज कर ली हूँ, देख सकते हो। और अभी चलती हूँ, थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो मीठा करने। तो गाइस देख सकते हैं, ये है जो छेना है, ये दिल चित्र में बना हुआ है। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कटोरी में ये टेढ़ी हो रखी है। चौले चीन वाला देख सकते हो, बिल्कुल सेफ दिख रही है, देख सकते हो हटाना है तो। ये बिल्कुल दिल चित्र में, और ये बहुत प्रसिद्ध है छेना, जहाँ से आया है। पता नहीं कौन सी जगह का है, भूल रही हूँ। कोई जानते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इधर के लोग, कोई पंडित जी का दुकान है वहाँ का, बहुत फेमस छेना है तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। ये तो वो गए थे, उनसे मैं मंगाई थी। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ थोड़ा सा छेना। आ जाओ आप लोग भी खा लो, किसको किसको मीठा पसंद है। मुझे तो बस खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं पसंद है बट थोड़ा सा है। यम्मी, और ये ओरिजिनल छेना है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पे एक मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो एडिटिंग हो रहा है जो छोले की रेसिपी जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ जो जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है बिहारी कुक श्वेता, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत थकान फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा जिंदगी लोग गाइस हमें धमकी देता है, बहुत लोगों की धमकी आती है कि जिंदगी में उससे कभी भी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बात करेंगे। बहुत लोग मुँह फेर के बात करने लगे हैं, मुँह फेर के चलने लगे हैं, तो मुझे हंसी भी आती है, हट भी होती है, बहुत चीज़ सोचती हूँ। बट ये लगता है कि जो ऐसा करता है उनको ये सोच में क्यों नहीं आता है कि जो लेडीज अपने बिना हस्बैंड के रह सकती है, जो उसका दुनिया था उसके बिना रह सकती है, जो मेरे हस्बैंड ऐसे कि मुझे सिर पे चढ़ा के रखते थे उनके बिना रह सकती हूँ, तो दुनिया के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ क्या? कैसा कैसा सोच है लोगों का, ये नहीं समझ में आता है। और गाइस बता दूँ, आज यहाँ है तीज का नहाए खाए, तो मेरा बेटा स्कूल से आया है तो बोल रहा है मम्मा कल ना तीज है। तो मैं बोली आप करोगे क्या तीज? तो बोल रहे नहीं, लड़की लोग करती है तीज, दीदी करेगी तीज। तो बेटी बोल रही है मेरी क्या शादी हुई है कि मैं तीज करूँगी, मतलब सब एक से एक बच्चे हैं। फिर बेटा बोल रहा है मम्मा आप तो तीज करोगे ना। बच्चा को क्या पता क्या तीज होता है, किसके लिए तीज होता है। पूछने आया मम्मा क्या आप तीज करोगे ना, तो क्या मैं तीज करूंगी। एक आंटी थी, उनके मतलब हस्बैंड डेथ कर गए थे, तो उनको जैसे मन में होता है ना, काफी लोग बैठाए रखते हैं कि वो कहीं होंगे तो उनके लिए कुछ भी करूंगी तो मतलब उनको लगेगा। तो आंटी बताती थी कि जैसे मैं तीज करती हूँ बट किसी को बताती नहीं हूँ, क्योंकि लोग दुनिया क्या है ना, बात बनाने वाला दुनिया है, बात बनाता है। तो आंटी बोलती थी मैं फास्टिंग में रहती हूँ, उस दिन पानी तक भी नहीं पीती हूँ, बट ये तो हस्बैंड के लिए होता है, और हस्बैंड ही नहीं रहे तो किसके लिए किया जाएगा तीज। तो फिर भी उनका मन नहीं मानता होगा तो वो तीज करती होंगी, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। लेकिन हर कोई ये नहीं सोच सकता है, हर कोई बात बनाएगा उनके कमेंट, इसलिए वो किसी से शेयर नहीं करती थी। मुझसे वो बात की थी तो बताई थी कि मैं तीज भी करती हूँ बट किसी से शेयर नहीं करती हूँ। जिंदगी आ हो गले
चलिए मैं बच्चे को खिलाती हूँ खाना और मैं खुद भी खाऊंगी क्योंकि मुझे दोपहर का दवाई खाना है। और एक भाई का कमेंट आया था, आपका सेम वीडियो सारा एक जैसा रहता है, तो मेरी लाइफ में है ही क्या क्या इंटरेस्टेड है मैं दिखाऊँ। अगर बाहर कहीं घूमने जाती हूँ तो ये वो वीडियो मैं लेकर आती ही हूँ। और अब तो इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं रहा क्योंकि किसी चीज़ से थक जाता है ना इंसान, एक काम कर करके जब सफलता नहीं होता है तो थक जाता है। अब मैं थक भी गई हूँ इस चीज़ को करते करते, बट आप लोग का दुलार प्यार है जो मुझे खींच कर यहाँ फिर से लेकर आता है। आप लोग मेरा वेट करते हो, इंतज़ार करते हो, तो मैं सोचती हूँ चलो घर का ही जो थोड़ी सी वीडियो है वही मैं आप लोग से शेयर कर दूँ। गाइस देख सकते हो ये जो मेरा पिंक साड़ी वाला जो फोटो लगा है, पीछे हस्बैंड है, आगे से मैं हूँ। ये मेरा तीज का ही फोटो है, यानी फर्स्ट तीज मैं गया में की थी। इसके बाद मुझे ऐसा टाइम ही नहीं आया कि मैं तीज की यहाँ पे, मतलब इस घर में मुझे तीज का सफलता नहीं हुआ, एक बार ही की। और ये शौर्य सिंह को देख सकते हो, छोटू थे उस टाइम के, सौम्य वैष्णो देवी गई थी, तो वो फोटो तो मैं ऐसे ही घर पे खींची थी, वो निकलवाई थी, मेरे हस्बैंड ने ही फ्रेम, मतलब कोई फ्रेम गिफ्ट किया था उसमें लगाए थे। और ये पिक तो आप लोग बहुत बार देखे हैं, ये भी मेरा वैष्णो देवी का ही पिक है, देख सकते हो आप लोग। तो लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जिंदगी में घमंड नहीं करो, कब किसके साथ क्या होगा ऐसा ये चीज नहीं है। मैं जब जाती हूँ ना तो एक मंदिर मिलता है, पता नहीं मैं उस मंदिर में कभी भी नहीं गई हूँ, मिलता है उस मंदिर में, मतलब हैंडरेड में 80% लोग मेरे जैसे ही मिलती हैं, 80% लोग। और मतलब मैं देख के उन लोग को धाड़स होता है, खुशी मिलता है उन लोग को देखकर, मतलब इतने अच्छे तरीके से रहती हैं, इतने ढंग से रहती हैं, ओनली बस सिंदूर नहीं रहता है, बाकी सारा मेकअप पिछवे उछवे सब पहन के। मैं एक दो लोग से बात भी की थी कि हो सकता है डाउट में, बट बोली नहीं हमारे हस्बैंड नहीं है। फिर मैं बात करते करते मेरा क्या है ना कि ज़्यादा इमोशनल होती हूँ तो रोने लगती हूँ, तो उन लोग समझाएं, काफ़ी तो लेडीज ऐसी थी कि हमारे बराबर की थी, कुछ छोटी भी थी, तो उन लोग को देख के धाड़स, तो मैं उन लोग से ज़्यादा मतलब कांटेक्ट में रहना चाहती हूँ। एक मेरी सिस्टर जो कमेंट करती थी, दी आपको देख के बहुत धाड़स लगता है, आपसे मिलना चाहती हूँ, और जैसे उसको जॉब का दिक्कत है तो जॉब के लिए भी, बट वो एड्रेस क्लियर मुझे नहीं बताई। मैं उससे बोली थी इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर बात करेंगे, अगर मिलने की ज़रूरत पड़ी तो मैं मिलने भी तुमसे आऊँगी। मैं उसी लोग से मिलती हूँ जो दुख दर्द को समझता है, बाकी मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं रहती हूँ। मतलब बहुत दुनिया देखी, बहुत दुनिया समझी, 1.5 साल ने मुझे आँख खोल दिया, दुनिया दिखा दिया, तो इसलिए अब ज़्यादा ये सब चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है मुझे। ये फैमिली है तो ये करेगा, अड़ोसी है तो ये करेगा, पड़ोसी है तो ये करेगा, कोई किसी का नहीं होता है, दुनिया बस मज़े लेने वाले हैं। आपके लाइफ अच्छे हैं सब आपको पूछेंगे, अगर आपका लाइफ गंदा है तो आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला आता है। एक मेरे देवर हैं वो सच बोलते हैं कि भाभी पहचान भी उसी को मिलता है जिसके छत पे गेहूँ सूखता है, उसी को पहचान मिलता है। लोग को लगता है भाई उसके कि हाँ है तो वो देगा, नहीं तो हमारे जैसे लोग से ढेर लोग सोचते हैं कि अगर ये मांगेंगे तो ये फिर देगी रिटर्न कहाँ से, सच्चाई है ये बात। तो मुझे वैसे लोग से ही मिलना अच्छा लगता है जो मेरा दुख समझे, दर्द समझे, या उनका दुख दर्द मैं समझूं। तो बहुत लोग हमारे जैसे धरती पे हैं, बहुत लोग हैं, और ये है कि हट होता है, पार्टनर के साथ रहने का एक हैबिट हो जाता है, वो पार्टनर छीन गया हमारे लाइफ से तो बहुत दुख होता है। बट क्या कीजिएगा, जब ऊपर वाला का इच्छा नहीं हुआ तो हम तो नीचे धरती पे हैं। तो मुझे इस चीज़ पे हंसी भी आता है, तरस भी आता है कि लोग कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। मैं तो देख देख के मतलब वो रहती हूँ, अगर मैं ज़्यादा टेंशन लूँ ना तो मेरा हो सकता है ब्रेन में कोई बीमारी हो जाएगी, इस तरह की बातें सुनते रहती हूँ, बट ये सब इग्नोर करके चलती हूँ। और जिसको जो बोलना है बोलते रहो, बस ये है कि मुँह पे कोई कुछ नहीं बोलने आता है, जितना जिसको भोंकना है पीछे ही भोंकता है, मुँह पे किसी के औकात नहीं है कि भोंकने तक आता है। तो ना श्वेता धरती पे अमर होकर आई है, ना जिसका अच्छा दिन है वो धरती पे अमर होकर आया है, तो क्या किसी का कमेंट बनाना, क्या किसी का मजाक बनाना यार। लाइफ है, सब जियो, सबका कट रहा है, आपका भी 24 घंटा कट रहा है, श्वेता का भी 24 घंटा कट रहा है। ऐसा तो है नहीं कि श्वेता के लिए 48 घंटा का दिन और रात हो रहा है कि भाई दुखी हूँ तो मेरा कट नहीं रहा है, मेरा भी कट रहा है यार।
है, चलते रहती है लाइफ में, बहुत मुश्किल है बहुत। बेटा बोला ना उस दिन, मेरे आँख में आंसू छलक गए थे बिल्कुल, जब बेटा बोला ना, बेटा को क्या पता, बेटा को लगा मेरी मम्मा भी तीज करेगी, सब लोग करेगा तो मेरी मम्मा भी तीज करेगी। बेटा को नहीं पता कि मम्मा क्या है, छोटा बच्चा है तो उसे क्या पता। जैसे लोगों का सुना, वो मेरे से आके शेयर किया। तो गाइस चलिए मैं लेती हूँ आप लोग से विदा, चलती हूँ खाना खाने, भूख लगा हुआ है। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी बेडशीट कैसी लग रही है, मैं न्यू बेडशीट ली हुई है, कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, आप लोग को लग रही है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे अच्छी लग रही है। प्लीज आप लोग बने रहिए हमसे, आप लोग हैं तो मुझे किस चीज़ का कमी है, किसी चीज़ का नहीं है। आप लोग का इतना अच्छा अच्छा कमेंट आता है, उससे मुझे धाड़स होती है। बट एक दो लोग हैं उनका गलत कमेंट आता है, तो प्लीज वैसा कमेंट मत किया कीजिए आप लोग। और सो मैं कल तीज करेगी ना। क्यों बोल लो ना, सॉरी की दीदी तीज करेगी, शादी शुदा लोग करता है। अच्छा सॉरी तो बोला, दीदी तीज करेगी, मम्मा तीज करेगी। मैं शादी शुदा हूँ तो डैडी से शादी किए थे ना। डैडी से शादी कहाँ की थी? किया था। सॉरी कल क्या है? कल तीज। कौन करेगा तीज? तीज तुम भी कर लेना। क्यों? लड़का नहीं करता है। कौन बताया कि लड़का नहीं करता है? करता है, डैडी करता था। डैडी करता था। मैम बताइए, लड़का तीज नहीं करता है? मुझे लगा लड़का भी तीज करता है। नहीं नहीं, नहीं। कौन बोला? गाइस चलिए फाइनली टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए वेट। और प्लीज आप लोग प्यार दुलार बनाए रखिए, आप लोग का आशीर्वाद है कि श्वेता जीवित है धरती पे, और क्या ही बोलूं, बस यही है। क्या इन लोग हैं क्या, वीडियो डाउनलोड हो गया? वीडियो तो है, तो कोई है नहीं।